तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने का आदेश दिया है और कांग्रेस की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है। नोट से ज्यादा ताकतवर होगा वोट, यह है कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं नीरज पांडे से। ये तो सीधे सीधे विपक्ष को हथियार मिल गया है सरकार की घेराबंदी का, प्रतिक्रिया क्या मिल रही है सरकार की तरफ से, सूत्र कुछ बता रहे हैं नीरज? देखिए रोमाना, अभी फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं है। अनिल कोहली ने जैसे पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो अपने आप में कोर्ट के निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता, जरूर उसके कुछ कानूनी पहलुओं को देखना होगा। ये बात सही है कि सरकार ने इसका भरपूर बचाव किया था। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त मनीष तिवारी जी मौजूद है, कांग्रेस के सांसद है, उन्हीं का रिएक्शन लेते हैं जरा। मनीष सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए इन पर फौरन रोक लगा दी, आप किस रूप में देख रहे हैं इस फैसले को? सर बहुत ठीक फैसला है, उचित फैसला है, सकारात्मक फैसला है, रचनात्मक फैसला है, जनहित में फैसला है, अच्छा फैसला है। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ कमी पेशी होगी तो फिर देखेंगे उसको ठीक करके दोबारा से लाएंगे, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का बदलाव इसमें किया जाना चाहिए? देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध करार दे दिया है। एक संवैधानिक खंडपीठ ने कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम थी जो सरकार लेके आई थी, जिसके तहत जो पैसा बॉन्ड द्वारा दिया जाता था उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती थी, उसको अवैध करार दे दिया है जी। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ये स्कीम चला रहा था, इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी देगा और इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेगी जी। अभी तो जो फैसला है वो बड़ा साफ है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है सर चुनावी राजनीति पर इस फैसले का क्या कोई असर होगा? जरूर होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रियान्वित किया जाएगा और लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि कौन से राजनीतिक दल को किस व्यक्ति ने या किस कॉरपोरेट घराने ने कितना पैसा दिया है और कहीं उसके पीछे कोई छुपा हुआ क्विड प्रो को तो नहीं है, ये सबको उजागर करने में ये एक बहुत रचनात्मक फैसला है। बहुत शुक्रिया मनीष सर, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला चुनावी राजनीति पर इसका असर पड़ना तय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।